नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सीआरएम कंपनी के विस्तारीकरण को लेकर हुई जन सुनवाई, जनता ने कहा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराओ। छिनतई विवाद में दो गुटों में हुई हिंसक झड़प, तीन हुए जख्मी। और विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आयोजित हुआ महारक्तदान शिविर। और अब खबरें विस्तार से। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत सीआरएम कंपनी में कंपनी के विस्तारीकरण को लेकर जिला प्रशासन तथा कंपनी प्रबंधन द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के बस्तियों के लोगों के साथ साथ कई समाजसेवी तथा नेतागण ने भी शिरकत की। इस जन सुनवाई के दौरान मंच पर धालवम अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम रंजन, एडीसी गणेश कुमार तथा कंपनी प्रबंधन के तमाम पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान कंपनी के विस्तारीकरण तथा उनके द्वारा जनता को दिए जाने वाले सुविधाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान लोगों का कहना था कि कंपनी का विस्तारीकरण हो, परंतु उसके साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे जनता का भी भला हो। लोगों का कहना था कि इससे पूर्व में भी जब कंपनियां बैठी थी तब उन्होंने जनता से पानी, बिजली, शिक्षा तथा रोजगार से जुड़े कई वादे किए थे, परंतु आज तक वे अधूरे हैं। गौरतलब है कि इस कंपनी की स्थापना से पहले उस क्षेत्र में बृहद जंगल हुआ करता था और साथ ही उसमें 5 तालाबें हुआ करती थी, जिन्हें कंपनी प्रबंधन ने हटा दिया। इधर तालाबों को स्लैग से भरवा दिया गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। सुनवाई के दौरान लोगों का कहना था कि कंपनी अपने विकास को देख रही है, परंतु क्षेत्र का विकास नहीं कर रही है, और कंपनी क्षेत्र का विकास करे तब विस्तारीकरण में कोई आपत्ति नहीं है। आप पानी देने का व्यवस्था करिए, और जहां तक गरीब लोग का शिक्षा का बात है, स्वास्थ्य का बात है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अंत में हम बोलेंगे कंपनी लगना चाहिए और प्रदूषण पर भी ध्यान देना चाहिए। अगल बगल बस्ती वाले जो रहते हैं उनके यहाँ पीने का पानी की कोई अरेंजमेंट नहीं है, बिजली का अरेंजमेंट नहीं है, तो इसके लिए कंपनी क्या अरेंजमेंट करना चाहती है उसका लोग इंफॉर्मेशन दे। और एक बात और करनी है कि यहाँ जो अगल बगल तालाबें थी वहाँ पर ये लोग पूजा वूजा करते थे, छठ पूजा वगैरह करते, तो अभी वो पूजा के लिए ये लोग क्या करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी दें इन लोगों को। तेजाब पानी जो जाता है जिससे मछली मरती है, या बच्चों का पैर में थोड़ा फुंसी, नहाने धोने आदमी नदी में जाता है, तो उसके लिए कंपनी क्या व्यवस्था की है? घुस जाता है सबका, रोड के किनारे किनारे भी हम चाहते हैं कि आप लोग नली दे दीजिए और पानी दे दीजिए, इसके अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए, नली या पानी जरूर दीजिए। कि नागरिक सुविधा होनी चाहिए, जितनी अपेक्षा है उससे कम हो रहा है, और ये सच है कि यहाँ चार चार कंपनियां हैं, सिर्फ सियारा भी नहीं है, यहाँ टी एसपीडल है, यहाँ टिमकेन है, यहाँ ब्लू स्कोप है। और उस साथियों ने जो कहा कि बाहर से ठेकेदार और कॉन्ट्रेक्टर आते हैं, हम लोगों ने बहुत ही, अगर लोग काम यहाँ करते हैं, इसी प्लांट आपके प्लांट को चलाते हैं, तो उसकी मेडिकल सुविधा एमजीएम में कैसे होनी चाहिए? ईएसआई का जो साथी लोगों ने बात उठाया है, ये सुनिश्चित होने चाहिए जमशेदपुर के क्षेत्र में कि वास्तव में जायज समस्याएं हैं और इन समस्याओं का निराकरण अविलंब कर दिया जाएगा, चूंकि कंपनी के विस्तारीकरण और पॉल्यूशन से रिलेटेड मामला था। किसी भी समस्या का सिवाय हम लोगों के हम बहुत आभार भी प्रकट करना। आज दिखाई गई यहां पर, हमें लगता है कि ये सारी तस्वीरें बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। इन तस्वीरों को आप घूम करके देख सकते हैं, आप जहां बैठे हैं यहां से नजर उठाइए और आप नजर घुमाइए, कहां गया वो तालाब? जो तालाब दिखाया जा रहा था वो तालाब वास्तव में यहां पर होता था। यहां पर चार चार बड़े तालाब होते थे, डेयरी फार्म होता था, और एक दो नहीं हजारों वृक्ष होते थे। जब काटा जा रहा था तो वन विभाग से लेकर के जिला प्रशासन तक सारे जगहों पर हमने खुद आपत्ति दर्ज कराई थी कि इतने बड़े बड़े, इतने पुराने पुराने साल के वृक्षों को काटा जा रहा है। और उधर कदमा
स्टाप क्वार्टर के सामने बाइक ओवरटेक करने व छिनतई के विवाद के कारण दो गुटों में जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें कुल 3 लोग जख्मी हो गए। परिजनों ने सभी जख्मियों का इलाज एमजीएम अस्पताल में करवाया। जख्मी व कदमा रामनगर निवासी विक्की दास ने बताया है कि वे और उसका मित्र गोपाल निषाद चिमनी का मरम्मत करने का काम करते हैं। गुरुवार को वे दोनों एक बाइक पर सवार होकर दोपहर का खाना खाने अपने घर आ रहे थे। उसी क्रम में दो बाइक सवारों ने स्टॉप क्वार्टर के समीप ओवरटेक कर उन्हें रोका और पिस्तौल दिखाकर उनसे उनके पास के रखे पैसे निकालने को कहा। वे लोग उसका विरोध किए तो वे लोग उन लोगों को ईंट व पिस्तौल के बट से मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद वे लोग विक्की को बंधक बनाकर स्टाफ क्वार्टर लेकर गए। यह देखकर गोपाल अपने मदद के लिए अपने दोस्त व आसुनिता सुभाष विरुआ को फोन द्वारा घटना की सूचना दी। सूचना पाकर सुभाष घटना वाले स्थान पर पहुंचकर दोनों की जान बचाई और घटना की सूचना कदमा पुलिस को दी। उसके बाद दोनों जख्मियों का इलाज एमजीएम अस्पताल में करवाया। क्या हुआ? हम लोग पहचानते हम लोग तो लोग चिंता पी हो के चिंता किया। हाँ तो पिस्टल विस्टल था, बोला चिंता कर पैसा वैसा देंगे तो गोली नहीं मार देगा, हम लोग क्यों देंगे। तब तो बोले मार शुरू कर दिया, थोड़ा मारने लगा। कितना लोग था? पूरा पहले 3 लड़का था, फिर आगे 10 लड़का, 10-15 लड़का। घटनास्थल कौन सा है? स्टाफ क्वार्टर के आगे में, तरंगी मंदिर के बगल में। कभी और देखे उठे उस लोग को? किसी को भी पहचानते हो? एक को पहचान तो लेंगे अभी देखने से। किसी एक को भी पहचानते हो? किसी एक को नहीं पहचानते। क्या करता उन लोग? नहीं मालूम। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग तो चिमनी मिस्त्री हैं। कहाँ पर? हम लोग अपना प्राइवेट काम करते हैं। कितना? 2 लड़के जो हैं ये लोग हमेशा की तरह मतलब चिमनी का काम करते हैं, चिमनी का रिपेयरिंग वपेयरिंग काम करते हैं। ये लोग हर जगह में करते हैं, जहाँ जहाँ ऑर्डर मिलता है प्राइवेट रूप से ये लोग करते हैं, इधर करते हैं। तो इसमें से क्या हो गया, ये लोग आज हम खाना खाने ही बैठे हुए थे तो ये फ़ोन है कि ऐसा ऐसा बात है भैया। तो हम जिस घटना स्थल पे पहुँचे तो घटना स्थल पे देखे कि लड़का लोग का सिर उर फटा हुआ पूरा, इधर एक लड़का को बस्ती में ढो के ले गया गया। तो लड़का बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा बात है कि सिर उर फटा फाड़ दिया पिस्टल का नोक से, फिर बट से, फिर इसको बंधक बना के लिया गया इसको। ये तो गलत है ना सर? ऊपर कहाँ ले गया था उसको बंधक बनाकर? ये लो स्टाफ क्वार्टर सर, स्टाफ क्वार्टर आपका भारतीय विद्यालय के बगल में है सर। ये पूरा डिटेल वहाँ के जो आपका रंजीत मुखी है, जो पान शॉप है, ये पूरा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये वहीं के लोकल हैं, प्लस वो लड़का लोग को पहचानते भी है। वह इस घटना के बाद इलाज के लिए आए दूसरे पक्ष के संजीव कुमार ने बताया है कि वह बीए पार्ट 1 का छात्र है। वे और उसके मित्र जय सूर्या अपना कॉलेज का काम कर वो कोऑपरेटिव कॉलेज से अपने बाइक से अपने घर आ रहे थे। उसी दौरान स्टाफ क्वार्टर के समीप बाइक ओवरटेक करने के क्रम में उनका दूसरे पक्ष से बातबाती हुई। उसके बाद बात बढ़ते गई और हिंसक रूप ले लिया। संजीव ने छिनतई की बात को तो इनकार किया पर बंधक बनाकर ले जाने वाली बात स्वीकारी है। मारपीट का कारण क्या है? वो मेरे को मारा, हम उसको मारा। कारण? कारण ये था कि वैसे वैसी हुआ। किस चीज के लिए? गाली गुलज हुआ, वैसे वैसी हुआ, हम उसको मारा, वो मेरे को मारा। क्या कभी आप लोग ले गए थे मारने के लिए? हाँ, उसको मारने के लिए भी ले गए थे, लेकिन यही बात है कि दिक्कत हो गया था। पहले वो मेरे हम लोग मारदूल से मारा था, हम पहले बात की किया बातचीत किया, लेकिन मेरे को मारदूल से मारा था पहले, सबसे पहला बार दोनों मेरे को मिलकर मारदूल से मारा था। इनका इनका आरोप है कि आप कुछ पैसा वगैरह भी छीने इनसे। अगर बोल दीजिए वहाँ पर खड़ा होकर, यहाँ पर बुला दीजिए, अगर उसका अगर माँ बहन उसका अगर सच्चा है तो यहाँ पर भी वो बगल में खड़ा होकर बुला दीजिए, खा लीजिए, बोलिए माँ बहन कसम। अगर क्या काम करते हैं आप? हम कुछ काम नहीं करते, हम पढ़ाई करते हैं। और उधर विश्व रेड क्रॉस के उपलक्ष पर जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों तथा कई नेतागणों ने अपना रक्तदान किया। इस अवसर पर जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष विजय सिंह ने बताया है कि इस दिवस में मुख्य रूप से यह ध्यान रखा जाता है कि कैसे गर्मी के दिनों में रक्त की कमी को दूर किया जाए और यह प्रयास किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा रक्त एकत्रित किया जा सके। साथ ही इन्होंने लोगों को रक्तदान के बारे में बताते हुए कहा है कि रक्तदान महादान है और इससे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है और इससे जरूरतमंदों का भी भला हो जाता है। इस दौरान लगभग 1000 से ज्यादा यूनिट रक्त एकत्रित किए गए। वहीं मौके पर उपस्थित रक्तदाता रविशंकर, जिन्होंने खुद 54 बार रक्तदान किया है, उनका कहना था कि 45% लोग अज्ञानता के कारण रक्तदान नहीं करते हैं, जबकि रक्तदान करने से शरीर हमेशा ही स्वस्थ रहता है। गर्मी के मौसम में रक्त की कमी को दूर करना मुख्यतः होता है, ऐसा है कि घर में ब्लड डोनेशन कैंप्स बंद हो जाते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। लोगों में भ्रांति है कि गर्मी में ब्लड देंगे तो हम बीमार हो जाएंगे या कमजोर हो जाएंगे, तो उस भ्रांति को भी दूर करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना,
और आप देख ही रहे हैं कि हजारों लोग सुबह से 7 बजे से लोग लाइन लगे हैं, 24 बेड लगा है और एक बेड भी खाली नहीं, इसके बावजूद थोड़े लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हम लोगों ने ये किया है कि लोगों में जागरूकता पैदा किया है, गर्मी के दिन में भी आप रक्त देने से किसी को कोई नहीं होती है। दूसरा फायदा ये होता है कि गर्मी में रक्त का डिमांड बढ़ जाता है, एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, बीमारियां पड़ती हैं, खासकर गर्भवती औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड की जरूरत पड़ती है अगर उनको ये है तो, ये सब गर्मी में कमी हो जाती थी। हमारे यहाँ 46% लोग ऐसे हैं जो कि अज्ञानता और डर के कारण रक्तदान नहीं करते हैं, और जो फर्स्ट पिन जो इन करता है एक बार वो अनुभव कर ले उसके बाद वो निडर हो जाते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि लाइफ में बहुत सारे चीजें हैं लेकिन उससे ऊपर बार अनुभव कीजिए, फिर इससे इस डर से आगे बढ़िए और कंटिन्यू अब हर 3 महीने के बाद 90 डेज के बाद आप ब्लड दे करके दूसरों को दूसरे के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। मैं अभी तक मैं 54 टाइम्स दे चुका हूँ और फिर 20 तारीख को 55 कंप्लीट करूँगा। तो वही है कि इसे एक तो क्या है कि दूसरे को तो फायदा हो रहा है, आप अपने आप को भी अच्छा अनुभव रखेंगे फिट होने के लिए, आप जो अभी की शैली है उससे हट के थोड़ा एक्सरसाइज और ये सब भी करके अपने आप फिट रख सकते हैं। तो दूसरे के साथ साथ सबसे बढ़िया कि हम अपना स्वास्थ्य ठीक रखते हैं रक्तदान करें। गर्मी के मौसम में सर्प भी इंसान को अपने ठंड के बीच सहन नहीं कर पा रहे हैं और इंसान को अपने डर से मूर्छित कर उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने पर मजबूर कर दे रहे हैं। कुछ दिन पूर्व डॉक्टर अनुकरण पूति ने बताया था कि गर्मी में सर्प भी ठंड के तलाश में ठंड जगह की खोज कर अपना निवास स्थान बना लेते हैं। उनको इस तरह का स्थान मनुष्य के निवास के स्थान पर आसानी से मिल जाता है, जिसके कारण मनुष्य की थोड़ी सी लापरवाही के कारण सर्पडंस का शिकार होना पड़ता है। गुरुवार को सर्पडंस के शिकार जादूगोड़ा बड़ा पहाड़ी निवासी सुनील बागती को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी स्थिति को देखते हुए यहां के डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। सुनील को सोने के क्रम में चीती सांप ने डस लिया था। परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। मजदूरी कम करते, क्या हुआ इनको? इसको चीती सांप ने काटा है। क्या कहां से था, कैसे था? घर में घूमा था, घरे में था चीती सांप। तो क्या कर रहे थे घर में? सोए थे, कुछ काम कर रहे? रात को सो रहा है। रात में सो रहा था। कितना बजे काटा है रात में? 3:30 बजे भोर में आज। वहीं जादूगुड़ा की बात जुगसलाई पार्वती घाट में भी बॉल खेलने के क्रम में 12 वर्षीय सूरज को भी एक सर्प ने बॉल लाने के क्रम में उसके हाथ में डस लिया। उसके बाद परिजनों ने उसे सांप को किसी तरह पकड़ लिया और सर्प डंस के शिकार सूरज के साथ सर्प को भी पकड़कर अस्पताल लेकर आए। वहीं सर्प डंस के शिकार बालक सूरज को अपना इलाज करवाने के लिए घंटों अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड व बच्चा वार्ड की परिक्रमा करनी पड़ी, तब जाकर वहाँ के डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए भर्ती लिया। तो क्या कर रहा था ये लोग? गया था बच्चे लोग के साथ में बॉल खेलने के लिए। वहाँ पर मैं जब बॉल उठाने गया था तो उस समय उसको सांप काट। कैसा, कहाँ पर बॉल उठा खेल रहा थे लोग? झाड़ी के बीच में। यहाँ लाने के बाद क्या क्या दिक्कत हुआ आपको? यहाँ पर लाने के बाद ये दिक्कत हुआ कि हमने जब वहाँ कागज बनाया तो सिस्टर बोलती है कि आप लोग मेरे पास में खाली कागज बनाई है। कभी एक डॉक्टर था पहले, वो बोले कि मेरे पास में लाए तो किस लिए लाए, खाए चिल्ला रहे हैं पहले बोला। फिर हमने बोला नहीं सर, देखिए इसका जो बच्चा है उसको पहले ट्रीटमेंट कर दिए। ये भतीजा मेरा बोला, फिर इसका पर में चिल्लाने लगा डॉक्टर। फिर हम लोग हम उसको समझाए बेटा चुपचाप रहो, अभी जो इलाज कराना है उसका इलाज करा लो पहले, बेकार बच्चा का जान का सवाल है। तो फिर बच्चा को इसको समझाने के बाद फिर हम लोग बच्चा को लेकर आए। डॉक्टर ने बोला कि जाओ, बोलता है ये फलाना के पास में चले जाओ। फिर हाँ बच्चा वार्ड में वहाँ आए, वहाँ से आने के बाद बोलता कि मेरे पास में तो ये सब सामान नहीं है, फिर दोबारा आप लोग वहीं जाइए। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद फिर हम लोग को यहाँ मतलब 3 मरतबा हम लोग को आना पड़ा यहाँ पर। कितना देर लगा इतना देर में? करीबन 1.5 घंटा। और उधर जमशेदपुर महिला कॉलेज में PAG ऑडिट रिपोर्ट में आए वित्तीय अनियमितता के जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर आसू पार्टी के छात्र संघ ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान प्रदर्शन में उपस्थित पार्टी के महानगर संयोजक अर्चना सिंह ने बताया है कि पिछले दिनों जमशेदपुर महिला कॉलेज में हुए
पीजी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर यह सामने आया है कि इसमें 30 करोड़ रुपयों का घोटाला किया गया है। उन्होंने बताया कि यह पैसे छात्रों के हैं और इसका कोई भी हिसाब नहीं दिया गया है। वहीं उन्होंने मांग पत्र के माध्यम से जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इस मामले में जो भी दोषी है उन पर निष्पक्ष जांच की जाए और उन पर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा छात्र जिला मुख्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। कोई हिसाब नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं है, कोई चेक नहीं है। तो हम लोग आज डीसी महोदय से मिलने आए हैं और उनसे ये मतलब उनसे जांच की मांग करने आए हैं कि ये जो 30 करोड़ का हिसाब डॉक्टर शुक्ला मोहंती 2008 से लेकर के 2013 तक का पीएजी ऑडिट हुआ था जिसमें 30 करोड़ का वित्तीय निमित्ता सामने आया है, उसका कोई रिसिप्ट नहीं है, कोई चेक नहीं है, मतलब किसी तरह का उसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। ये जो ऑडिट हुआ था तो उस रिपोर्ट के साथ में हम लोग आज डीसी से मिलने आए हैं और उसमें जाँच की मांग करने आए हैं। और अगर इसमें भी एक सप्ताह का हम लोग टाइम दे रहे, एक सप्ताह के अंदर जाँच नहीं होती है तो हम लोग और उग्र रूप लेकर के अनशन पर भी बैठने वाले हैं डीसी ऑफिस के सामने। लेकिन ये जो शिक्षा में दलाली 30 करोड़ रुपए मायने रखते हैं कि स्टूडेंट्स का एजुकेशन में आप काट करके और दलाली कर रहे हैं, तो ये सारे कुछ को लेकर के हम लोग इसमें आज डीसी से मिलने के लिए आए हैं। और उधर आदित्यपुर टोल ब्रिज के समीप खरकई नदी में संदेहास्पद तरीके से डूबे एक अज्ञात व्यक्ति को आदित्यपुर पुलिस ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। आदित्यपुर पुलिस की एसआई लॉरेंस करकेट्टा ने बताया है कि गुरुवार को दोपहर में कुछ स्थानियों द्वारा उन्हें सूचना मिली कि टोल ब्रिज के समीप खरकई नदी में नहाने के क्रम में एक व्यक्ति डूब रहा था। स्थानियों ने उसे किसी तरह बचाया और नदी के बाहर लेकर आए। उसके बाद घटना की जानकारी आदित्यपुर पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उस अज्ञात को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। मामला संदिग्ध बना हुआ है और डूबने वाले की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं डूबने वाले के पैर व नाक में कुछ जख्म के निशान भी हैं। कैसे मालूम चला आप लोगों को, क्या मालूम चला? क्या सूचना दिया? क्या सूचना दिया? सूचना दिया कि यहाँ एक आदमी नदी में डूब के हम लोग निकाले हैं, आप लोग आइए। और हाँ, स्थानीय लोग ही निकाला था। नाम कुछ पता चला इसका? उन लोग भी नहीं बताया। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुन नगर ए ब्लॉक में देवरानी और जिठानी में जमीन विवाद को लेकर चाकूबाजी की घटना प्रकाश में आई है। जख्मी देवरानी पी मंगा ने अपना इलाज एमजीएम अस्पताल में करवाया। अस्पताल में इलाजरत पी मंगा ने बताया है कि कुछ वर्ष पूर्व उनके सास ससुर ने अपना सारा जायदाद व जमीन उनके पति व उनके नाम कर दिए थे। तब से अब तक उनकी जिठानी उस जायदाद व जमीन के लिए उनसे लड़ाई करती रहती है। अति तब हुआ जब गुरुवार को उनकी जेठानी उनके घर का ताला तोड़कर अचानक उनके घर में घुस गई और उन लोगों को भगाकर घर में जबरन कब्जा करना चाह रही थी। उसी का विरोध करने पर वह उसे चाकू से मारकर जख्मी कर दी। वहीं उस घटना की शिकायत सिद्धगोड़ा में उस घटना की शिकायत की गई। उस पर उनका कहना है कि थाना उनकी जेठानी पर कोई कार्रवाई नहीं की है और वह इंसाफ के लिए पुलिस कप्तान के पास जाएगी। मेरा बीच वाला जेठानी लो ना, मैं ताला तोड़ कर अंदर घुस गया। वो लाइन का, बिजली का भी, अभी पानी का भी झगड़ा करके हमको मारपीट कर दिया। घर किसका है? मेरा नाम का है। कौन बीच वाले जेठानी का क्या नाम है? लक्ष्मी। क्या करती है वो? वो घर में रहती है। आदमी आपे का साथ में रहती है? नहीं, अलग रहती। तालन तोड़ काम में घुस किया। आपका घर में? मेरा घर में। क्यों, क्या बोल के? वो मेरे सास हम लोग को लिख के दे दिया तो बोल रहा हम लोग को दे दिया करके जबरदस्ती तालन तोड़ काम में घुस गया। इसके बाद हम लोग बोल रहे क्या आपको घुस गया, हम लोग को लिख के दे दिया और सब कागज उसी में करके बोल रहे तो आपको कुछ नहीं लिखा करके हम लोग को मारपीट करके टीचर रूम में टान लिया। हम लोग का वो लोग घुस गया। कौन चीज़ से मारा आपको? हम लक्ष्मी भास्कर। क्या चीज़ से मारा? वो चाकू से काट लिया। मामला थाना में दर्ज किया है? थाना में बोले? हाँ, थाना का कर्जा था। पकड़ाया वो लोग? नहीं, वो ताने वाला कुछ एक्शन नहीं ले रहा। अभी एसपी ऑफिस जाएगा भी। आप चलिए देख लग जाता केस से खबर। सीआरएम कंपनी के विस्तारीकरण को लेकर हुई जन सुनवाई। जनता ने कहा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराओ। छिनतई विवाद में दो गुटों में हुई हिंसक झड़प, तीन हुए जख्मी। और विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आयोजित हुआ महारक्तदान शिविर। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।